पूरा सिस्टम है इसका, रडार सबसे पहले इसे डिटेक्ट करता है कि पकड़ता है कि रडार में कहाँ आ रहा है, और रडार सिग्नल से जब उसको पकड़ लिया जाता है इस रडार से, ये रडार को इजीली मूव कराया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इस आयरन डोम का रडार जो होता है वो दुश्मन को पकड़ लेता है, ये आयरन डोम का रडार है, ये दुश्मन के आते हुए मिसाइल या किसी भी हमले को डिटेक्ट कर देगा, और ये डिटेक्ट करने के बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेगा कितनी स्पीड में आ रहा है, और ये कमांड सेंटर को भेज देगा। कमांड सेंटर का डिसाइड करेगा कि इसको मार के गिराना है कि नहीं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल से इसे मार के गिरा देगा। रडार पकड़ने के बाद ये रडार इसको भेज देती है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये एक पूरी तरह से इसके अंदर बैठे रहते हैं लोग, जो मैनुअली भी कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक भी कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ जाके गिरने वाला है। अब इस मिसाइल में दो चीजें होती हैं, एक जो आगे का वारहेड होता है ये नोक यहाँ पर, इस पर इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव रहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव चारों ओर निकलते रहते हैं, ये दिखते नहीं है लेकिन वेव निकलते हैं। और इनमें खासियत क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ अगर इस वेव से टकराएगी तो इसके पीछे एक फ्रेगमेंट में सेंसर लगा हुआ है जिसमें टुकड़ों में बारूद भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में, इससे कोई भी चीज़ इसके पास से अगर गई तो ये तुरंत बता देगा कि मेरे बगल से कुछ गुजरा है, ये खुद को फाड़ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो तामीर मिसाइल है ये आमने सामने कभी किसी मिसाइल को नहीं मारता है, बल्कि जब ये किसी मिसाइल के बगल से गुजर रहा होता है तो इसके बगल से जो मिसाइल गुजरती है तो इसके द्वारा जो वेव निकल रही है, ये जो वेव निकल रहे हैं, ये वेव क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि मेरे बगल से कोई गुजरा है, खुद को फाड़ लो, तो ये क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है, जिस वजह से इसके साथ साथ ये भी डूब जाता है। तो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही काम करता है ये किसी भी मिसाइलों को आमने सामने हिट करता है बगल से, यहाँ पर अब इस तरह से हिट करेगा ये, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँच सके। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि 90 डिग्री पे आमने सामने लकड़ी चीर रहा है, वैसे नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये है आपका तामीर मिसाइल, ये मार रेडिएशन छोड़ा हुआ है अपना। अब कोई भी इसके संपर्क में, जैसे देखिए ये उधर से संपर्क में आया, ये टूटेगा और ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पैरेलली जाके ब्लास्ट करता है, 90 डिग्री पे नहीं। जब कभी भी तामीर मिसाइल इस तरह से रहता है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है और इसके बचने की संभावना ना हो जाती है, इसलिए कहा जाता है 90% ही कारगर होता है, 10% में कभी कभी ये मिस कर जाता है। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, ऐसे दुश्मन का मिसाइल ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, तो इसमें बचने की संभावना इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये तरीका अनसक्सेस हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे समझिए ये है हमारा तामीर मिसाइल, यहाँ देखिए ये कलम जो है ये मिसाइल है, इसमें हम ये जो कागज़ जोड़ दिए हैं ये बता रहा है कि इससे क्या निकल रहा है, ऑप्टिकल वेव्स निकल रहे हैं। अब कोई भी मिसाइल इसके बगल से गुजरेगा तो इस ऑप्टिकल वेव से टकरा जाएगा, जैसे टकराएगा इससे तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 90 डिग्री सामने से निकल गया तो इस ऑप्टिकल वेव से वो नहीं टकरा पाएगा, जिस वजह से उसके बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस वजह से ही 90 डिग्री पे जब भी कोई मिसाइल आती है, जैसे यहां से आया और ये इधर गया, तो ये 90 डिग्री ये आमने सामने होता है तो बहुत कम चांसेस है, कभी-कभी तो दो-दो मिसाइल सामने से ही जाती है और दोनों 90 डिग्री पे रहती है, तो ये दोनों निकल जाते हैं सब वहां पर। इसराइल ने इसमें सुधार किया।